मीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी। रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 1.5 कप बासमती चावल लिया है, ये 450 ग्राम है, और 2 टमाटर लिया है, और 1/2 कप दही है घर पर बनाया हुआ, और 3 प्याज को बारीक काटा है मैंने, और ये मटन लिया है मैंने 2-3 पानी में धो के साफ करके रखा है, और खड़े मसाले में पाउडर मसाले में 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच भेड़की मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/4 चम्मच काली मिर्च, और 2 चम्मच भर के बिरयानी मसाला, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और हरा मसाला में 4 मिर्ची को मैंने इस तरह काटा है, और 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, और ये पुदीना, और ये धनिया। मटन को डालने के लिए 2 तेज पत्ता और 1 दालचीनी और 1 चक्रफूल, 3 इलायची, काली इलायची, 4-5 लौंग और 3-4 काली मिर्च, ये मटन को डालने के लिए, और उसका चावल को डालने के लिए 5-6 काली मिर्च, 1-3 इलायची, 1 बादियान फूल और 1 तेज पत्त और ये तेजपत्त और ये जीरा और 1 नींबू, ये सब हो गया। अभी मिक्स करेंगे। पहला हम ये मसाला डालते हैं इसके अंदर पूरा। अब ये अदरक लहसुन डालते हैं और मिर्ची और ये जो दही है ना ये डालते हैं और स्वाद अनुसार नमक, ये सब इसमें डालते हैं और ये मैरिनेट करते हैं, सब मिलाते हैं इसके अंदर, और इसमें से थोड़ा सा पुदीना डालते हैं और थोड़ा सा कोथमीर, ये सब इसके अंदर डालते हैं और इसको 1/2 घंटा मैरिनेट के लिए रखते हैं। गैस ऑन करते हैं, इसमें जो भी पानी है वो सब निकालते हैं और इसमें ये तेल डालते हैं। तेल डाला है मैंने, कांदा फ्राई करने का है, 5-6 टेबलस्पून तेल डाला है। देखिए अभी गरम होने तक इंतजार करते हैं। चावल को धो के भिगाने को रखते हैं, चावल को 3-4 पानी से धो के भिगाने को रखते हैं। अभी गैस में तेल भी गरम हो चुका है, 3 प्याज है वो डालते हैं, बड़ा गैस रखा है, सुनहरा कलर आ चुका है। अभी ज्यादा करेगा तो ये कड़वा हो जाता है उधर भी। अभी इसको थोड़ा निकालेंगे, अभी ये जो तेज पत्ता और ये चक्रफूल ये सब इसमें डाल देते हैं और ये 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। क्या
अब ये टमाटर इसमें डाल देते हैं और उन्हें फ्राई करते हैं। टमाटर भी गल चुका है और तेल भी बाहर आ गया इसका स्टेज में, हम वो भी आधा घंटा हो गया है। मटन को भी गैस को एकदम धीमी करेंगे। अब ये मटन इसमें डालते हैं। के बराबर भूनते हैं, सब मसाला इसके अंदर मिल जाएगा अभी। और इसे बड़ा गैस नहीं करते हैं, छोटा गैस में ही, क्योंकि मैंने दही डाला है वो फट जाएगा, छोटा गैस में ही इन्हें बराबर मिलाते हैं और भून लेते हैं। मैंने बराबर इसको भून लिया फ्रेंड्स। अभी इसमें एक उबाल आ गया, देखिए दही भी नहीं फटा है। बराबर इसको हिलाते हिलाते मैंने मिक्स किया है। अभी हम थोड़ा धनिया पुदीना डालेंगे और ये कोथमीर सब वापस मिलाएंगे। स्टेज में हम नमक सब चख लेते हैं, सब बराबर है फ्रेंड्स। अभी हम सीटी लगाते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, आधा ग्लास पानी। देखिए ये 70 ml पानी है। गैस बंद करते हैं, ढक्कन को बंद करते हैं और ये सीटी लगा के 2 सीटी आने तक इसे पकाते हैं, क्योंकि पूरा नहीं पकाने का, इसे दम लगाने का है ना, इसके लिए 2 सीटी रखेंगे फुल में। अभी इधर पानी लिया मैंने, इस पानी में चावल भी हो गया, 15-20 मिनट हो गया ये। चावल लिया और आधा नींबू का रस और ये शाही जीरा आधी टीस्पून, लौंग, तेज पत्ता, 3 इलायची, 1 बादियन और 1 टीस्पून तेल डालते हैं। नमक डालते हैं, मैंने उसमें भी नमक डाला है। अब ये बॉईल होने के लिए रखते हैं दूसरा गैस। कुछ के हो गया था, उसको इस तरह मिलाते हैं। उसके ऊपर पुदीना, थोड़ा सा कोथमीर और ये गरम मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला है, इसको ऐसा चढ़कते हैं। वापस खांदा, वापस पुदीना, वापस कोथमीर, वापस ये खांदा। हमें चावल होने के बाद डेकोरेशन करते हैं ना, उसके लिए। और एक गरम मसाला पूरा डाल देते हैं, बहुत ही खुशबूदार हो जाता है फ्रेंड्स। पुदीना सब डाल के ये मिक्स करके रखते हैं, ये बाजू में रखते हैं। अभी दूसरा सिटी, गैस को बंद कर देते हैं।
आने तक वेट करते हैं। उबल में भी उबल आ गया फ्रेंड। अभी चावल डालते हैं। और इसे 70 चावल भी 70% हो गया फ्रेंड्स। अभी हम इसको गैस बंद करते हैं और इसको ये चलनी में डाल देते हैं। फ्रेंड्स कुकर भी ठंडा हो गया, निकलते हैं अभी। देखिए मटन भी अच्छी तरह से हो गया फ्रेंड्स, देखिए सब बराबर हो गया। अभी हम बिरयानी का मिक्स करेंगे, तो आधा मटन हम इसमें डालेंगे। इतना हम रखेंगे। अभी ये चावल डालेंगे। मिक्स करके रखा है ना कांदा, और मैंने गरम मसाला, कांदा, पुदीना ये सब इसमें रखेंगे। और वापस ये मटन इसमें डालेंगे। चावल इसमें डाल देंगे। मैं इसमें ही दम लगाती हूँ क्योंकि ये फ्लैट कुकर है फ्रेंड्स, इसमें आराम से बैठ जाता है ये। ये देखिए इस तरह सब रख देते हैं। और वापस ये गरम मसाला वो सब मैंने मिक्स किया था इसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बढ़िया बनके तैयार हो गया फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड। और मैंने कलर लिया था फ्रेंड वो डालते हैं। आप चाहिए तो केसर डालें। अभी थोड़ा घी डालते हैं। ये घी ठंडी में बहुत कड़क हो गया है। थोड़ा डाल देती हूँ, ये तो गले के अंदर ये सूख जाता है फ्रेंड्स खाने के टाइम। रखा है फ्रेंड्स गेहूं का आटा है ये, इस तरह पूरा सील करेंगे हम। सील करती हूँ इस तरह ताकि दम बाहर नहीं आए। इस तरह पूरा बंद कर दिया मैंने ताकि कोई भी स्टीम बाहर नहीं आ सके। पांच मिनट मीडियम में रखती हूँ, फिर उसके बाद 20 मिनट दम देने के लिए रखती हूँ छोटा। अभी 5 मिनट मीडियम में रखती हूँ रखा फ्रेंड्स। अभी इसको स्लो में 20 मिनट रखेंगे, फिर मिलते हैं। अभी गैस बंद करते हैं और इसे निकालते हैं। ये देखिए हो गया फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स बिरयानी बनके तैयार है। फ्रेंड्स थोड़ा कचुम्बर है और थोड़ा मैं रायता रखा है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह बनाया, आपको पता है अभी। आप भी अगर हमारा बिरयानी को लाइक करते हैं तो हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड।